अब हमारा लौंडा आपको चैन वॉश करके दिखाएगा। ये रहा पेट्रोल, हमारी ये गाड़ी का हमने पहिया स्टार्ट कर दिया है। अब ये लौंडा ये चैन वॉश करने जा रहा है। ये देखो, ये ऐसे चैन वॉश होती है। पूरे दिल से हमारा लौंडा गाड़ी साफ चैन वॉश करते हुए, इसलिए यार ये आप ज़्यादा नहीं, गाड़ी के चैन कोई आपको चैन वॉश करने के लिए। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ आपको, लोगों ने यूट्यूब पे क्या डाला हुआ है, चैन ऐसे वॉश होती है, ऐसे वॉश होती है, बोलो सुनो ऐसा लो। आप घर का ब्रश भी ले सकते हो और नॉर्मल ऐसे आपको मेन स्टैंड पे गाड़ी लगानी है। मेन स्टैंड लगाने के बाद थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, मिट्टी का तेल की जरूरत कोई नहीं है। ऐसे आप सिंपल इसको ईजिली गाड़ी को चैन वॉश साफ कर सकते हैं। बस क्या करना है, ढक्कन लो, ढक्कन के ऊपर छोटा सा छेद मार दो, बोतल को प्रेस करो और ऐसे ब्रश को रख दो, अपने आप ऑटोमेटिकली गाड़ी की चैन साफ होती रहेगी। पर हाँ ध्यान रखना है, चैन आपको ऊपर से वॉश करनी है, नीचे से करोगे तो नीचे से आपके हाथ भी कटने का डर रहता है, गरारियों में आपका हाथ फंस जाएगा, उंगलियां कट जाएगी और गहरी चोट लग जाएगी आपको। तो चैन ऐसे साफ करें, ये लौंडे से सीखे। हाय करो भाई एक बार। इसको मैंने बोला है क्योंकि नीचे से चैन साफ करो। हालांकि गाइस जो लड़के नए हैं वो प्लीज़ ये ट्राई ना करें, हमारे तो चलो लड़के थोड़े परफेक्ट हैं चैन वॉश करने में गाड़ियों की, क्योंकि सर्विसें वगैरह करते रहते हैं गाड़ियों की। ये देखो ऐसे में आपका हाथ आ सकता हो पीछे वाली गरारी में, तो हमेशा चैन साफ करें तो ऊपर से ही करें, ठीक है, नहीं तो उसके चैन के बैक साइड से करें। अगर आप नीचे से करते हो तो दूर रखें हाथ गरारी से कम ये इसमें चैन ऑयल हम डाल रहे हैं अब गाड़ी के चैन में, ताकि थोड़ा गाड़ी को चैन को आराम से मिल सके। यानी कि बोले तो ये डालना ज़रूरी होता है, कई बंदे ग्रीस लगाते हैं कई कुछ, तो हम सी ऑयल डालते हैं इसमें गाड़ी में। ये ग्रीस टाइप मतलब चिपचिपा सा होता है कुछ, चैन में पूरी प्रॉपर तरीके से चिपक जाता है।